हेलो स्टूडेंट्स इन ऑल द वर्ल्ड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद का मेरा कंप्यूटर का सेक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस सेक्शन में जो जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो फॉर कॉमर्स एंड जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और आई थिंक ये मेरा कंप्यूटर सेक्शन के ऊपर सेकेंड वीडियो लेक्चर है, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियोज़ देख लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले इस सेक्शन में आपका पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या ऑल ऑफ दीज? तो आपके पास जो ये तीन ऑप्शंस हैं ये आपके पास हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। इन्हें आप एनी हाउ याद कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर, सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, 1, 2, 3, 4? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड क्वेश्चन है शॉर्टकट की आप फोल्डर क्रिएशन, ठीक है सर। तो फोल्डर क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, F2 या Ctrl+C? आपके पास सी ऑप्शन है Ctrl+Shift+N, या आपके पास डी ऑप्शन है सॉरी कंट्रोल। तो आपका जो है फोल्डर क्रिएशन के लिए आपका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है कंप्यूटर शट डाउन कीज़, कंप्यूटर के शट डाउन करने के लिए की कौन सी यूज़ होती है, Alt+F4, Ctrl+F4, Shift या ऑल ऑफ दीज? तो कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपके जो की शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है Alt+F4। तो आप इन्हें चेक भी कर दीजिएगा इस्तेमाल करके अपने लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में। फिफ्थ क्वेश्चन है कंप्यूटर रिफ्रेश की, कंप्यूटर की रिफ़्रेश की कौन सी होती है, F4, F5, F6 या F7? तो F5 को प्रेस करने से कंप्यूटर रिफ़्रेश हो जाता है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ Ctrl+Z? तो Ctrl+Z हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडो या फॉर डिलीट? तो Ctrl+Z जो है आपके पास वो यूज़ होती है फॉर अंडो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉर अंडो के लिए आप Ctrl+Z की यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सेवेंथ वन जो क्वेश्चन है पास वो है Ctrl+C इज़ यूज्ड फॉर, Ctrl+C हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कट के लिए, कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए या अंडो के लिए? तो आपके पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है Ctrl+C इज़ यूज्ड फॉर कॉपी, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें याद कर दीजिएगा क्योंकि ये हर टेस्ट में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आते हैं। शॉर्टकट की ये फॉर सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A, Ctrl+B, Alt+C या Alt+B? तो फॉर सिलेक्ट ऑल के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+A, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड Ctrl+B इज़ यूज फॉर बोल्ड। एंड नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास Ctrl+X इज़ यूज फॉर, आपके पास ये ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट या डिलीट? तो Ctrl+X जो है वो आपके पास यूज़ होता है फॉर कट के लिए, तो कट के लिए हम Ctrl+X यूज़ करते हैं, तो वो जो आपकी लाइन होती है आपकी पैराग्राफ वो कट हो जाती है। टेंथ क्वेश्चन है लास्ट वन व्हाट इज़ एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर्स, तो बाइनरी नंबर्स में आपके पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 0 एंड 1, 1 एंड 2 या 2 एंड 3? तो बाइनरी नंबर्स जो हैं आपके पास जो कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ होते हैं कोडिंग वगैरह में, तो आपके होती हैं 0 एंड 1, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ GCUH। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सी यू।